डाले क्या? मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगी। अच्छा, क्यों नवाज शरीफ को? क्योंकि हमारे इस पंजाब को बनाने में नवाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। आप इस एरिया में जाएं बाहर, आपको इतनी इतनी प्यारी सड़कें मिलेंगी कि आज से पहले हमारे बच्चों को वो मिली नहीं थी। हमारे मुल्क ने इतनी जल्दी तरक्की की है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम नवाज शरीफ, हम ये जो इमरान खान है वो क्या करेगा? चार दिन वहाँ पे लड़कियों को नचाता है, फिर बाद में नहीं है कि वो लड़की रहता घर चला जाता है। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी बात सुने ना आप। जो बंदा अपने मुल्क के लिए लड़ता है वो आपको सामने नजर आ रहा है, वो तो औरत लेता घर जाके चार दिन ऐश उड़ाता है, फिर आके कहता जी मैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए आया हूँ, आए मेरे साथ चले, क्या करता है वो? अच्छा आंटी, हम आपसे बॉल फेंकने वाला बंदा मुल्क नहीं चला सकता। नहीं, नई औरत, एक मिनट, नई औरत करने वाला बंदा मुल्क नहीं चला सकता। अच्छा आंटी, हम आपसे भी बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो सिर्फ इतनी है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, वो तो इज्जत मन तो चाह वो तो जुल्म मन। इनके हिस्से में, नवाज शरीफ के हिस्से में जलालत ही जलालत है और इससे ज्यादा जलालत। ये झूठ बोल रहे हैं। आज से देखे हमारा मुल्क जब से बना है, आज से जब से ये मुल्क बना है, इन लोगों ने कितनी, इन लोगों ने, बात सुने ना मेरी, इन लोगों ने कितनी जलालत नवाज शरीफ को दी है, क्या मिली है उसको? सही बात जो है ना, आसमानों को नहीं जुस्माना चाहिए। इमरान खान को इस वक्त सुनाया तो नहीं ना, अब इमरान खान को टाइम दो, वो क्या करता है? इन चोरों डाकू लुटेरों को आज 50 साल हो गए हैं, इन्होंने आज तक किया क्या? बात सुनो बेटा, एक मिनट, अगर वो चोर डाकू है, अगर वो चोर डाकू है तो जो ये इमरान खान है ये सबसे बड़ा चोर हो रहा है। अगर वो चोर का पीछा करता है, आप बताएं, इस्लामाबाद में इसने धरना दिया था, पीटी ये नवाज गया उधर धरना दिया, सब कुछ किया, तारुल कादरी साहब गए हैं, उन्होंने अपनी जेबें भर ली है, धरने गए, लड़कियां गई, हमारी जवान बच्चियां गई, कहां था ये? ये आप पता क्यों दे रहे हैं? ये उनका साथ पता क्यों दे रहे हैं? ये खुद चाहते हैं इस उम्र में मैं नई शादी करूं। आप इससे पूछ लेते हैं कि अब ये क्या कहना चाहेंगे? यार राम से बात सुनो ना, राम से बात सुनो।